करते हैं डेफिनेटली, जैसे आकाश जी ने बताया कि प्रोडक्ट डेफिनेटली मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स भी इस बात को मानने को तैयार है। आप में से भी काफी लोग मेडिकली प्रोफेशन से बिलोंग करते होंगे, आप सबने अपने पेशेंट पे भी ट्राई किया होगा, आपने खुद भी यूज किया होगा कि हमारे प्रोडक्ट काम करते हैं, प्रोडक्ट काम करते हैं। और प्रोडक्ट क्यों काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है, हम देखिए आयुर्वेद खाली कहने से कोई चीज आयुर्वेदिक नहीं हो जाती, हमारे प्रोडक्ट पूर्णतया आयुर्वेदिक विधि से, आयुर्वेदिक पद्धति से, जो प्राचीन काल की जो पद्धति है उस विधि से बनाए जाते हैं। मैं कई बार बहुत अलेक्स जब शुरू हुआ तो उस समय बहुत सारी आयुर्वेदिक फैक्ट्रीज में मेरा विजिट हुआ, जहां से हजारों कंपनियों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दिए जाते हैं, भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को जहां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दिए जाते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री में गया और देख के मैं इतना सरप्राइज हो गया कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, कई मंजिला फैक्ट्री है, लेकिन पूरी फैक्ट्री विजिट करने के बाद मुझे इतनी सी भी वहां पे जड़ी-बूटी का टुकड़ा दिखाई नहीं देता, हजारों प्रोडक्ट बन रहे हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बन रहे हैं, सारे जड़ी-बूटी के नाम पर कुछ है ही। तब मेरे समझ में आया कि आयुर्वेद के नाम पे लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर प्रोडक्ट पे लिखा बहुत कुछ होता है लेकिन सही मायनों में वो है या नहीं है। इसीलिए लोगों के दिमाग में सोच बन गई, किसी के पास भी जाते थे, अलग से नहीं बात कर रहा हूं, उससे पहले लोगों के दिमाग में सोच बन गई कि आयुर्वेद जैसे धीरे धीरे काम करेगा लेकिन जड़ पे काम करेगा। क्यों धीरे धीरे काम करेगा, आयुर्वेद कोई धीरे धीरे काम नहीं करता, आयुर्वेद बहुत तेजी से काम करता है, लेकिन सही मायनों में आयुर्वेद को कोई प्रॉपर बनाता नहीं था, उसको कोई यूज नहीं करता था, सिर्फ बनते थे मार्केट में, ऐसे आज से पहले से ही सिर्फ बनते थे, लिया घोला और उसको सिर्फ तैयार हो गया, बाजार में बनी बनाई कंसेंट्रेट आता है उनका, लिया घोला और वो सिर्फ तैयार हो गया, जैसे होता है काटो घोलो और लगाओ, वो मेहंदी लगाते हैं, तो वैसे ही सिर्फ बनते थे, काटो घोलो और लगाओ, सही में। लेकिन जब मैंने बात की बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात की कि यार ये ऐसे तो आयुर्वेद में नहीं लिखा है कि सिर्फ बनने का, बोले ऐसा ही बनता है, तुम बताओ कैसे बनेगा। मैंने कहा सर भाई आयुर्वेद की बुक्स में तो ऐसे लिखा है कि जिस सिरप में 50 जड़ी बूटी डल ली, सारी जड़ी बूटियों को लेके आओ, फिर उनको धो, फिर उनके टुकड़े करो, फिर उनको बड़े से बॉयलर में डाल के उबालो, जब उनका कस निकल जाए, 1/4 रह जाए या कुछ, आज का 1/8 तक भी लेना पड़ता है, वो कस निकले तब वो सिरप बनता है। सर आयुर्वेद में ऐसा लिखा है, सारे हंसने लग लेते हैं, ऐसे सिरप बनाओगे क्या, ऐसे कोई नहीं बनाता, ये बाजार में बने बनाए पाउडर आते हैं, इनको घोलो और सिरप बोतल में पैक करो, एक दिन में 5-5 बैच बन जाएंगे। लेकिन हमने शुरू से ही हमारे सर की भी यही सोच थी कि सर ने भी मेरे को हमेशा इस बात के लिए एनकरेज किया कि डॉक्टर साहब हम कम बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, कई बार आपको लगता है प्रोडक्ट शॉर्ट भी हो जाते हैं, इनका शुरू से सर की ये बात थी कि सर अपन कम बना लेंगे, एक दिन में 5 बैच नहीं चाहिए, एक दिन में चाहे 1 बैच बने चाहे 1 दिन में 2 बैच बने, लेकिन मुझे पूर्ण आयुर्वेदिक चाहिए और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड।